माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। माय नेम इज मोनिका अग्रवाल और आज हम कर रहे हैं एचसीबी के ऑब्जेक्टिव्स। आज के टॉपिक में हम लेने वाले हैं कैलोरी मेट्री। कैलोरी मेट्री में बहुत ही कम क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव वन में सिर्फ 7 क्वेश्चंस है और ये सारे क्वेश्चंस जो हैं कॉन्सेप्चुअल और थ्योरी रिलेटेड है, जिसमें एज सच कुछ सॉल्विंग वाला पार्ट नहीं है। तो जो भी आपके छोटे मोटे कॉन्सेप्चुअल डाउट्स होंगे वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे। ये वाला वीडियो पूरा एंड तक देखना ताकि आपका पूरे ऑब्जेक्टिव एक ही बार में हो जाए, ठीक है। चलो ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, या द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है बॉडी की वो किस पे डिपेंड करती है। तो बट आपको ये फॉर्मूला तो पता होगा, क्यू इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा थीटा या डेल्टा टी। ये जो सी है दिस इज नथिंग बट दिस इज द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, राइट। तो सी क्या हो जाएगा, सी इज क्यू डिवाइडेड बाय एम डेल्टा थीटा। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम क्या करते हैं बेटा, इस मास को हम यूनिट मास लेते हैं और जो डेल्टा थीटा है दैट इज द राइज इन टेम्परेचर, उसको भी हम 1 डिग्री सेल्सियस रखते हैं। समझ में आया, हम क्या करेंगे, मास को यूनिट मास लेंगे और डेल्टा थीटा भी आपका 1 डिग्री राइज करना होगा। तो हमको जितनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, जैसे समझो हमने यूनिट मास का ऑब्जेक्ट लिया और उसका टेम्परेचर आपको सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस राइज करना है, तो जितनी हीट आपको उसको देनी पड़ेगी वही हमारा सी होगा। वापस सुनो, मास कितना लेना है, यूनिट मास, और उसका टेम्परेचर कितना राइज करना है, बाय 1 डिग्री सेल्सियस। तो 1 डिग्री सेल्सियस राइज करने के लिए आपको जो भी हीट एनर्जी उसको देनी पड़ेगी वही हमारा सी होगा। मतलब हमारा एम और डेल्टा थीटा तो कॉन्स्टेंट हो गया, राइट। तो ये सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल पे। हम कॉपर की बात कर रहे हैं, हम आयरन की बात कर रहे हैं, हम स्टील की बात कर रहे हैं, हम जो भी चीज की बात कर रहे हैं उसके लिए एम और डेल्टा थीटा फिक्स है। तो ये ना मास पे डिपेंड करता है ना टेम्परेचर राइज पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल ऑफ बॉडी पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी मटेरियल है, वो कौन सा मटेरियल, उस हिसाब से उसका क्यू होगा। सो दैट इज द रीजन हीट गिवन, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, बिकॉज वो हीट पे डिपेंड करता है। ये सारी चीजें तो तेरी वन है ना, समझ में आ रहा है। तो वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पे डिपेंड, क्या ये जो क्यू है ये फिक्स्ड होगा ना, ये फिक्स्ड नहीं है, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कॉपर है कि आयरन है। तो इसके लिए यहाँ पे द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वॉटर इक्विवेलेंट ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड इन। पहली बात तो ये वॉटर इक्विवेलेंट होता क्या है, वॉटर इक्विवेलेंट बेटा एक चीज समझते, जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका कुछ तो मास होगा, इसका हमको टेम्परेचर राइज करना है T1 से लेके T2 तक। तो हमने इसको कुछ एनर्जी दी, लेट दिस एनर्जी बी क्यू। समझ में आया इतना, ये कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इसके मास से हमको लेना देना नहीं है, इसको हमने क्यू हीट एनर्जी दी, तो इसका टेम्परेचर T1 से T2 राइज हुआ। अगर उतनी ही एनर्जी मैं वॉटर को दू, ठीक है, उतनी ही एनर्जी, क्यू एनर्जी मैंने वॉटर को दी और इसका भी टेम्परेचर T1 से T2 ही आपको राइज करना है, ठीक है, तो कितना मास ऑफ वॉटर मुझे यहाँ पे चाहिएगा। सेम टाइम, टाइम तो बाय डिफॉल्ट सेम है, यहाँ पे भी आपको क्यू एनर्जी देनी है, यहाँ भी क्यू एनर्जी देनी है, यहाँ पे टेम्परेचर T1 से T2 राइज करना है, यहाँ भी T1 से T2 ही राइज करना है। तो कितना मास ऑफ वॉटर मुझे लेना चाहिए, समझा, क्यू एनर्जी देनी है और T1 से T2 सेम टाइम में आपको राइज करना है, तो आपको कितना मास ऑफ वॉटर लेना चाहिए, दैट इज योर वॉटर इक्विवेलेंट। समझा, वॉटर इक्विवेलेंट क्या है, जितनी एनर्जी हम इसको दें उतनी ही एनर्जी इसको देंगे, इसका टेम्परेचर T1 से T2, इसका भी टेम्परेचर T1 से T2, तो इस यहाँ पे हमको कितना अमाउंट ऑफ वॉटर लेना चाहिए, कितना मास ऑफ वॉटर लेना चाहिए, दैट इज वॉटर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसका ऑब्वियसली वॉटर इक्विवेलेंट इज अ मास, तो इसका यूनिट क्या होगा, केजी। दिस इज अ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन,
ठीक है, ये मैं मीडियम कैटेगरी में डाल रही हूँ बिकॉज बच्चों को वाटर इक्विवेलेंट पता नहीं होता है। अब मैं उम्मीद करती हूँ सबको समझा, सेम अमाउंट ऑफ हीट देनी है, उतना ही टेम्परेचर राइज करना, तो कितना पानी लू, कितना अमाउंट ऑफ वाटर में लू, कितना मास ऑफ वाटर में लू, दैट इज योर वाटर इक्विवेलेंट। ये जो पहले वाला क्वेश्चन है इसको मैं इजी कैटेगरी में डाल रही हूँ, ये मीडियम में डाल रही हूँ इसके लिए बिकॉज वाटर इक्विवेलेंट बच्चे थोड़े दिनों बाद अभी याद रह जाएगा, बट थोड़े दिनों बाद आप भूल जाओगे, तो उसका एक नोट जरूर बना लेना या एक एग्जाम्पल ड्रॉ कर लेना, ठीक है, तो आप भूलोगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन अ हॉट लिक्विड इज मिक्स्ड विद अ कोल्ड लिक्विड द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर, यानी एक ठंडा लिक्विड और एक गर्म लिक्विड को अगर हम मिक्स कर देंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली हीट विल फ्लो फ्रॉम द हायर टेम्परेचर बॉडी टू द लोअर टेम्परेचर बॉडी, और कब तक हीट फ्लो होगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता। जैसे ही दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम हो गया, हीट का फ्लो, यानी यहाँ पे लिक्विड है, जब तक दोनों लिक्विड का टेम्परेचर सेम नहीं हो गया, हीट का फ्लो होते रहेगा, और जैसे ही सेम हो गया हीट का फ्लो बंद हो जाएगा। सो फर्स्ट डिक्रीजेस देन बिकम कॉन्स्टेंट, फर्स्ट इंक्रीजेस देन बिकम कॉन्स्टेंट, कंटिन्यूसली इंक्रीजेस, इज अनडिफाइंड फॉर सम टाइम एंड देन बिकम नियरली कॉन्स्टेंट। यस, बिकॉज जब वो दोनों लिक्विड जब हमने मिलाए हैं तब हम एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर पा रहे कि क्या टेम्परेचर, कुछ देर बाद जरूर हम बोल देंगे कि कांस्टेंट हो गया है, बट इनिशियली वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज ऐसा हम नहीं बोल सकते। सो इट इज अनडिफाइंड फॉर सम टाइम एंड देन बिकम नियरली कांस्टेंट इज द करेक्ट ऑप्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी एंड दिस इज अ इजी कैटेगरी क्वेश्चन। मूविंग अहेड क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज अ इजी क्वेश्चन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ द सेम फिजिकल क्वांटिटी, इनमें से कौन से एक पेयर है जिनकी फिजिकल क्वांटिटी सेम है। अब पहला ऑप्शन देखते हैं, केल्विन एंड जूल। केल्विन टेम्परेचर का है, जूल एनर्जी का है। नो, दिस इज नॉट सेम। केल्विन एंड कैलोरी, केल्विन अगेन टेम्परेचर का है और कैलोरी एनर्जी का है। नो, दिस इज ऑल्सो नॉट सेम। न्यूटन एंड कैलोरी, न्यूटन फोर्स की यूनिट है, कैलोरी एनर्जी की यूनिट है, अगेन दिस इज नॉट सेम। उसके बाद जूल एंड कैलोरी, यस ये दोनों ही एनर्जी की यूनिट्स है, जूल एंड कैलोरी। या तो आप एग्जैक्टली बोलोगे तो एक वर्क और एनर्जी का है, बट वर्क एंड एनर्जी आर वन एंड द सेम, राइट? तो इसकी वजह से द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर? ओके, पहले इतना आप लोग कॉपी करिए, बाकी के क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। यस, मूविंग अहेड क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मे बी रिप्रेजेंटेड इन द सेम यूनिट। आई वॉन्ट कि आप लोग इसके बारे में जरूर सोचे। मैं ऑप्शन देखती हूँ, हीट एंड टेम्परेचर पहला, दूसरा टेम्परेचर एंड मोल, तीसरा हीट एंड वर्क, चौथा स्पेसिफिक हीट एंड हीट। तो अभी आप लोग सोचे कि इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट होगा, क्या हीट और टेम्परेचर दोनों के यूनिट सेम है? नहीं। टेम्परेचर और मोल? नहीं। हीट एंड वर्क? हीट एंड वर्क इट इज इंटर कन्वर्टेबल, राइट? हीट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट वी गिव टू द सब्सटेंस एंड वर्क इज द एनर्जी वी डू ऑन द सब्सटेंस, इज मोर और लेस वन एंड द सेम, ठीक है? उन दोनों के यूनिट्स भी सेम है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। बाकी स्पेसिफिक हीट और हीट अगेन ये भी सेम नहीं है, इन सबके यूनिट्स अलग अलग हैं, ठीक है? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। दिस इज अ इजी क्वेश्चन, इसके एकदम बेसिक क्वेश्चन था ये, तो अपन ने जो फर्स्ट चैप्टर होता है यूनिट्स एंड डायमेंशन उसमें ही पढ़ा हुआ है। सो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, टू बॉडीज एट डिफरेंट टेम्परेचर आर मिक्सड इन अ कैलोरी मीटर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज रिमेन कंजर्व। यानी हमने दो बॉडीज है, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, दोनों को मिला दिया, तो इनमें से कौन सी चीज है जो कंजर्व रहेगी? सम ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द टू बॉडीज, यानी पहले जितना टेम्परेचर का सम था उतना ही बाद में होगा? नहीं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। सम का कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर के सम का कॉन्स्टेंट होना जरूरी नहीं है। टोटल हीट ऑफ द टू बॉडीज? नहीं।
total internal energy of the two bodies and internal energy of each body. See, क्या होता है बेटा, हमेशा जो higher, यहाँ पे external कुछ भी work नहीं किया है, तो जो internal energy होगी ना वो bodies की conserve होनी चाहिए. जैसे एक की पहले energy 10 joule है और दूसरे की suppose 4 joule है, तो इनिशियली कितनी है 14. तो बाद में अगर हम देखेंगे तो हो सकता है कि 8 हो जाए और दूसरे की 6 हो जाए, लेकिन जो टोटल होगा वो 14 ही रहेगा. सो द टोटल एनर्जी ऑफ द टू बॉडीज रिमेन कंजर्व. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एज सच कुछ एक्सप्लेनेशन है ही नहीं. अगर हम थोड़ा सा बेसिक जैसी चीजें करते हैं तो भी हमको ये क्वेश्चन जरूर आ जाएंगे. नेक्स्ट, द मैकेनिकल equivalent of heat. बेटा पहले क्या होता था ना, पहले जो work है और जो heat है इनको तो अलग अलग quantities माना जाता था. तो हमारे work का unit joule होता था और हमारे heat का energy, heat का जो unit है वो calorie होता था. लेकिन बाद में somewhere in 1940-42 ये decide किया गया, ये पता लगाया गया कि work and heat moreover same ही है और उनके बीच में एक relation निकाला गया. Work is equals to some constant into heat. अब work का unit क्या है? This is 4.2 joule. J constant है, ये J, and H is 1 calorie. So J is 4.2 joule by 1. So this J is nothing but it is the mechanical equivalent of heat. Where joule and calorie दोनों के units same ही है, तब हमको पता चला. तो ये जो मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट है बेटा, इसके ना कोई डायमेंशन होते हैं, हैज द सेम डायमेंशन एज हीट, हैज सेम डायमेंशन एज वर्क, हैज सेम डायमेंशन एज एनर्जी. नहीं, इसका तो कुछ डायमेंशन ही नहीं है, बिकॉज जूल और कैलोरी दोनों कट हो जाएगा, ये दोनों इंटर कन्वर्टेबल है एक दूसरे में, राइट. उसके बाद हमको पता चला, पहले ऐसा सोचते थे कि नहीं वर्क और हीट दोनों अलग अलग है, बाद में इनका रिलेशन ये डेवलप किया गया. और ये जो जे है दिस इज द मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट. और वहां से हमको पता चल गया कि 1 कैलोरी इज 4.2 जूल. समझ गया आप लोगों को? ठीक है, इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इजी थे और मैं उम्मीद करती हूँ अभी आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे. अगर इससे रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है तो जरूर हमको कमेंट से बताइए, ताकि हम आपकी जो डाउट है उसको क्लियर कर पाए. ठीक है, अब हम जल्दी मिलते हैं ऑब्जेक्टिव 2 में. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.